महत्वपूर्ण खबर के साथ। तो आज सदन में बजट पेश किया जाएगा। भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करने जा रहे हैं। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आ सकता है और बजट के चलते जिला मुख्यालयों में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और बजट जश्न भी कांग्रेसी यहां पर मनाते हुए नजर आएंगे। तो होली से पहले सभी राज्यवासियों को गुड न्यूज मिल सकती है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। 2023-2024 का आज बजट पेश किया जाएगा और लाइव प्रसारण भी जनता इसका देख पाएगी। सभी जिला मुख्यालयों में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी और बजट का जश्न भी कांग्रेसी मनाएंगे। बता दें 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। ई बजट की थीम पर बजट को पेश किया जा सकता है और इसी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी बजट केंद्रित हो सकता है। किसानों युवाओं पर भी फोकस रह सकता है और इसी के साथ महिलाओं को भी सौगातें मिल सकती हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों भी प्राथमिकता बजट में रह सकते हैं। तो आज सदन में बजट पेश करेंगे भूपेश बघेल, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे भूपेश बघेल। तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है और आज बजट पेश किया जाएगा छत्तीसगढ़ का और बजट का जश्न भी कांग्रेस नेता कांग्रेस कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आएंगे। तो आज सदन में सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर की। गौरव, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। उम्मीदें कई हैं और ये भी बताया जा रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है, महिलाओं पर फोकस होगा, युवाओं पर फोकस होगा। तो रायपुर की जनता का क्या कहना है बजट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रीता, यदि मैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट की बात करूं तो ये भूपेश सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री आज सुबह विधानसभा में जो है दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत करेंगे और इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, चाहे हम कर्मचारी वर्ग से बात कर ले, महिलाओं के वर्ग से बात कर ले या फिर युवा वर्ग से और तमाम ऐसे वर्ग जो इस बजट से पर जिनकी निगाहें टिकी रहती है और उन्हें ये उम्मीद रहती है कि उनके क्षेत्र के लिए जरूर सरकार कुछ ना कुछ करेगी। तो आज के बजट को भी लेकर काफी उम्मीदें हैं। आज के बजट को यदि हम कहें तो चुनावी स्वरूप भी हो सकता है क्योंकि नवंबर में जो चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, उसे लेकर भी भूपेश बघेल जो है वो बजट प्रस्तुत करेंगे। और सदन में ही पहले कह दिया गया था मंत्रियों द्वारा कि जो ये बजट होगा वो वृहद रूप से होगा और पिछले साल की यदि हम बात करें 2022-23 की तो 1,04,603 करोड़ का एक बड़ा बजट जो है वो राज्य सरकार ने पेश किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया था और इस बार भी 1,10,000 करोड़ से अधिक का बजट जो है वो पेश होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और हर वर्ग के खासकर कर्मचारी वर्ग को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि लगातार जो नियमितकरण और उसके साथ साथ कलेक्टर दर पर जो पैसे मिलने की बात थी और जो इन लोग का आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था उसे लेकर कर्मचारी संगठन में भी काफी उम्मीदें हैं। और वहीं किसानों की यदि हम बात करें तो अभी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाले साल से 2,800 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को इस बजट से उम्मीद है। ई पेपरलेस बजट आज प्रस्तुत किया जाएगा, ई बजट आज सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहला ऐसा मौका होगा जब ई बजट प्रस्तुत होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जब विधानसभा पहुंचेंगे और उनके हाथ में वो सूटकेस होगा, एक खास बात यह भी रहती है कि गोबर का बना हुआ सूटकेस जिसमें पूरे दस्तावेज रहते हैं उसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में पहुंचते हैं और उसी से जो पिटारा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का खुलता है। जी जी गौरव, बिल्कुल सभी की निगाहें बिल्कुल बजट पर टिकी हुई हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बजट के पिटारे में किस वर्ग के लिए क्या खास निकलता है। चलिए जगदलपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ रजत जुड़े हुए हैं। रजत, अगर हम जगदलपुर की बात करें तो क्या माहौल है बजट को लेकर?
जी लोगों की अपेक्षाएं हमेशा की तरह से काफी अधिक हैं इस बजट से, चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए लोगों की अपेक्षा इस ढंग की है कि कोई नया कर नहीं लगेगा या फिर उन्हें काफी राहत मिलेगी महंगाई और दूसरे सेक्टर में। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी बताएं, विकास नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे में आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस बजट? देखिए, विकास तो नियमित चलता है और चलता रहेगा, लेकिन जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, ये चुनावी वर्ष है, भूपेश जी का सरकार का ये आखिरी बजट है और सभी के उम्मीद बंधी है कि महंगाई से कुछ राहत दिलाएंगे ताकि जो आम नागरिक है उसे महंगाई से कुछ राहत मिले, इस पूरी उम्मीद के साथ कि शायद गैस के मतलब गैस का दाम कम होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा या महंगाई में कम होगी तो लोगों को कुछ राहत मिलेगा। और विकास तो हो ही रहा है और विकास की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन इस बार लोगों को महंगाई से राहत मिले ये बड़ी अपेक्षा है। महंगाई से राहत मिले बड़ी अपेक्षा है, इसके अलावा और कौन से इश्यूज हो सकते हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, आप बताएं जी, आपको कैसी उम्मीदें हैं इस बजट? चार साल की सरकार में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि नरवा घुरवा बाड़ी और गांव की अर्थव्यवस्था, या अगर गांव के लोगों की अगर सच्ची सेवा हो सकेगी तो मैं करूंगा। महात्मा गांधी के मतलब के अनुसार चलते हुए उन्होंने गांव के किसान, गांव के लोगों को करने की कोशिश की है। और मेरे अंदाज से जैसे लोगों का कहना है भूपेश से तो भरोसा है, तो भरोसे का बजट पेश हो रहा है जिससे निश्चित रूप से प्रदेशवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। पूरे बस्तर में लोगों को ये भरोसा है कि हमारे सीएम जो है वो एक ऐसा बजट प्रस्तुत करेंगे जो हर वर्ग के लिए लाभदायी होगा। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट? देखिए, संभाग में सबसे बढ़िया है मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहती है, तो यहाँ पे एक महारानी अस्पताल और जिला मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों की लगातार कमी बनी हुई है। ना सिर्फ बस्तर संभाग के सातों जिलों से लोग आते हैं यहाँ अपना इलाज कराने, नवरंगपुर, उड़ीसा से भी, कोटपाड़ से भी लोग आते हैं, लेकिन उनको सही समय पर इलाज इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की लगातार कमी है। ना यहाँ ट्रामा यूनिट है, ना ही सीटी स्कैन सही से चल पाता है, ना एक्सरे हो पाता है, तो लोगों को हर एक छोटा टेस्ट से लेकर बड़ा टेस्ट के लिए जगदलपुर के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। अगर अच्छा चीज होगा, डॉक्टर आएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ पे सबको सुविधा मिल पाएगी। जो दो बड़े सेटअप हैं यहाँ, मेडिकल कॉलेज और महारानी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय, इन दोनों पर न केवल बस्तर बल्कि पड़ोसी राज्य जो है उसकी भी बड़ी आबादी निर्भर करती है, ऐसे में जो उसमें जो कमी खामी है उसको भी दूर की जाएगी, ये अपेक्षा है। प्रीता जी। जी रजत, बिल्कुल बातचीत से समझ में आया कि चुनावी साल है और ऐसे में लोगों की अपेक्षा बजट को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।